आज मैं आपके लिए ढाबे वाली दाल तड़का की रेसिपी लेके आई हूँ और इसे बनाने का मैंने बेहद ही आसान तरीका आपसे शेयर किया है जिसे आप बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 1.5 कप की जितना दाल, या फिर उतनी दाल लीजिए जितनी आपको बनानी है, और इसे हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद अब हम एक प्रेशर कुकर में दाल को डाल देंगे। ये वाला प्रोसेस नॉर्मल दाल बनाने वाला प्रोसेस है, जैसे हम डेली दाल बनाते हैं। तो सबसे पहले दाल डालेंगे, उसके बाद 1.5 कटोरी के जितना हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक, और चुटकी भर डाल देंगे यहाँ पे हींग। और अब यहाँ पे लिड लगा कर इसे 6 से 8 विसल आने तक हम पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद जब दाल पक जाए तो तड़का लगाएंगे, 1.5 बड़े चम्मच डालेंगे तेल, उसके बाद ले लेंगे 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च ली है। आप अपने पसंद से बाकी तड़के की चीजें भी ऐड कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं। यहाँ पे डाला है मैंने 1/2 चम्मच के इतना हींग। हींग का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और जो चना दाल है ना वो थोड़ा भारी होता है, तो उसे भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जब तड़का अच्छी तरीके से पक जाए तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज का प्याज और इसे मैंने ऐसे फाइन चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और प्याज को अच्छा सा हम कलर आने तक भून लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं किया है, ये स्लाइटली ब्राउन है। उसके बाद हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मैंने ऐसा क्रश कर लिया था। जब भी ढाबा वाली रेसिपी बनाते हैं ना तो उसमें सारी चीजें कट की हुई होती हैं, तो यहाँ पे मैंने इसे क्रश कर लिया और सारी चीजें यहाँ पे भुन गई हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे और 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे, साथ ही डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच के जितना डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच के जितना धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही थोड़ा सा नमक, और चुटकी भर डालेंगे गर्म मसाला। और इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला के लो फ्लेम पर ही ढकेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो सके। अब 3 मिनट के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो जो मसाले हैं वो थोड़ा सा भुन गए हैं और साथ ही जो टमाटर है ना वो अच्छा सा मैशी हो गया है। तो बस आपको इस तरीके से प्रेस करते हुए चलाना है ताकि ये अच्छा सा मसालों का फॉर्म ले सके और अच्छे से कंबाइन हो सके। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले। फिर से ढकेंगे और 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट के बाद क्या करेंगे ना कि यहाँ पे चेक करेंगे, मसाले बढ़िया तरीके से भुन गए हैं, अच्छा सा तेल भी सेपरेट हो गया है। बस अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भुनना है। अब पकी हुई दाल को यहाँ पे हम डाल देंगे। फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम कर देना है। आप देख पा रहे होंगे दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, वैसे जो ढाबे वाली दाल होती है ना वो थोड़ी गाढ़ी ही रहती है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और ये जो दाल है ना, चना दाल, वो अच्छी तरीके से पक तो गई है लेकिन एकदम खड़ा खड़ा सा दिख रहा है। आप जब दाल बना लीजिए ना उसके बाद इसे मिक्स मत करिएगा, ऐसे ही दाल ये बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरीके से पक भी गया है। ये देखिए अच्छी तरीके से दाल पक गई है, लेकिन एक जो दिखता है ना कि ढाबे वाली या रेस्टोरेंट वाली जो दाल दिखती है एकदम वैसा सही है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप के जितना पानी डाला है और बस अब इसे बढ़िया तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाए। और इसे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं तो जो दाल है ना वो अच्छी तरीके से हमारी पक गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि चना दाल रखने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो फ्लेम को यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। और अब एक हम तड़का बना लेंगे। इसमें डाला है मैंने घी और बारीक कटा हुआ जो लहसुन है उसके बड़े टुकड़े डाले हैं मैंने। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना उसके बाद यहाँ पे 1/4 चम्मच कितना डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और बढ़िया तरीके से मिला के इस दाल में डालेंगे। एकदम ढाबे वाला टेस्ट और ढाबे वाला लुक आने के लिए आपको ये तड़का डालना है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे बढ़िया से हमें मिला लेना है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ढाबा स्टाइल दाल तड़का की रेसिपी बताई है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं यहाँ इसे राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसे किस चीज़ के साथ सर्व कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।